कर चुके चलने समय से। तो आज जो वीडियो होने वाला है, बहुत दिन बाद, बहुत महीने बाद एक्चुअली वैगनर में वीडियो चल रहा है इस बार पहले बार। तो यही गंगा सागर अभी जा रहे हैं कोलकाता, जो गंगा सागर आज वो क्या गंगा पूजा है, तो वही देखने जा रहे हैं अभी। तो ये अंकल जी ड्राइवर भाई हाय कर दीजिए। और यहाँ पे मम्मी और पापा, तो पापा तो बोल रहा था नहीं जाएगा, घर में आराम करेगा, फिर भी आज जबरदस्ती लेके मजा करा था। तो यही तभी ये जैसे उस रूट पकड़ के जाएंगे फिर से सेम रूट, बट थोड़ा आई थिंक थोड़ा डिफरेंट होगा शायद। इसके बाद एक्टिव बर्धवान गए, तो उसके बाद संडे लॉन्ग ट्रिप थोड़ा फ्रस्ट्रेट लग रहा था, फिर भी किया। तो चलो कोई बात नहीं, जैम होगा। तो अभी यहाँ से माया फ्लाइवर पकड़ के जा रहे, जैसे जगत से उसका घर गए थे मुर्शिदाबाद, इसके पहले जो व्लॉग किए थे पूजा में, तो यही। तो अभी चलो तो ये माया फ्लाइवर पकड़ के जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। तो चलो, तो सुबह सुबह हो गया काम सब रेडी। तो भाई, तो एक्चुअली तो इस बार कोई प्लान नहीं था लॉन्ग ट्रिप। लॉन्ग ट्रिप बेसिकली मेरा, हम लोग का हर साल ही दुर्गा पूजा और क्रिसमस है दोनों। क्रिसमस तो मैंडेटरी है तारापीठ, और दुर्गा पूजा में चेंज होता रहता है, कभी इस जगह कभी उस जगह, कोई फिक्स नहीं। इस साल पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। प्लान तो ये शांति नहीं कहता, क्या पता फिर से अगर प्लान चेंजेस आ गया तो मैं थोड़ा दूसरे जगह देखूंगा। अब देखना पड़ेगा यार गाइस, क्या कहाँ जाना पड़ सकता है, कहाँ बेटर होगा। अब बाकी सब आप लोग की मर्जी। पर इस बार अच्छा पूजा तो बाबा बोला, हम लोग बोले कि एक बात है बंगाली में कि हर तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर एक बार। तो एक बार गंगा सागर घूम के आते हैं कार में, तो मेरा कार नहीं है, पापा का कार है, गरीब आदमी है, कुछ नहीं है। हाँ, मेरा तो एक ही स्कूटी है गरीब के पास, एक्टिवा सीसी, और पापा के पास एक काइनेटिक है और एक ये वैगनर, तो पापा का कार में जा रहे हैं। तो चलो चलते दिखाते हैं बाबी बाहर का रोड। तो यही देखो गाइस, तो देखो ওরা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে আপনার লেফট লেফটে করে দিন, করে ওখানে বাটন টিপে টিপে তো अभी ऐसा एडजस्टमेंट इसमें इंटीरियर एडजस्टमेंट सिस्टम है। अभी देखा दिखाया भी था आप लोग को गाइस, आई थिंक यहाँ थोड़ा थोड़ा जैम हो गया, WD-40 दे देंगे, इस वीडियो कर लेंगे ठीक है। तो चलो, काइनेटिक का दो दिन जो वीडियोज में करे जा रहा था अभी इस बार वैगनर में कर रहे हैं। तो अभी इसलिए रोड देखो पूरा खाली रोड, अभी टाइम हुआ है देख लो कितना बजा है, 10:37 मतलब 10:37। तो अभी चलो रेस्ट है। ये पूरा रोड खाली। तो कुछ दिन पहले मैंने गाड़ी अपने आप वॉश किया था इस ट्रिप के लिए, मैंने पूरा खटा था गाइस, तीनों गाड़ी वॉश किया था, एक ये वैगनर और यही काइनेटिक और एक्टिवा। तो देखो पूरा गाड़ी चल रहा है, बहुत मस्त जगह चल रहा है गाइस। अभी तेल तो बहुत है भाई, ये देखो অনেক চলে যাবে। হ্যাঁ, আসার সময় তো 100 বার ভরতে হবে। না যাবে তখন ভরে না, এখনই বললো তো যাওয়া হয়ে যাবে, ফেরাটা ভরতে হবে। ঠিক আছে বাবা, যখন যখন লাগাল তার আগে দূরের দিকে যাচ্ছি, ফেরানো উচিত কেন ওই সব জায়গায়, এখন লাগে না, এর আগে তো ইতেলেই করে কাটিয়েছি। 15 লিটার তেল আছে, আর গঙ্গাসাগর আছে 120 কিলোমিটার না কত এরকম সামথিং আছে, আর কি চাই। रोड देखो भाई साहब, इतना बड़ा ब्रिज, नीचे से एक ब्रिज जाता है यहाँ से ऊपर में, ये लॉन्ग ड्राइव। ना ना, बोलो भालो है तो
नहीं। देखो गाइस रोड का हालत, देखो सेम वैगन आर सामने वहाँ पे चला गया, ये तो दिख रहा है सेम। ये देखो गाइस जूम कर दिया गाइस, इस साल इसका 15 साल ओवर होने वाला है, फिर से रिन्यू कराना होगा 15 साल के बाद। पंद्रह साल ओवर होने वाला है इस साल के एंड में। चला गया वैगनर को पार कर। तो यही तो अभी चलो, अभी एक मैंने घोटाला किया तभी सोचिए इसी ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। मतलब बाहर का जो वेंटिलेशन जो हवा है, रोड का जो हवा होता है ना, अंदर घुस रहा है इससे ठंडा नहीं हो रहा था, अभी फिर से यहाँ पे कर दिया, अभी पूरा ठंडा अभी हो रहा है। ये वाला वैगन है फर्स्ट जनरेशन। पाटुली गोरिया सामान्य तो अभी देखो रोड का हालत, ट्रैफिक छोड़ दिया उन लोग, उस वैगनर से उड़ गया, हम लोग पहले है यस तुम। तो अभी सो ठंडा नहीं क्यों नहीं हो रहा है गाड़ी का, ये सब इसमें धक्का लगी गाड़ी में, तो हमने तो धक्का लग गया था बुलगार्ड में, तो उसकी वजह से गैस लीक कर गया, वही सोचे थे इसके मैं बहुत सुना था, तो वही सोचा पूरा ठंडा हो रहा है। दादी का बात हो रहा है पांच लीटर हार्डली पेट्रोल ले लेंगे अभी जाने के समय, कोई बात नहीं। 2016 का स्विफ्ट, अब ठंडक हो रहा है धीरे धीरे, यही मेरा गलती था, मैंने यहाँ पे जिस वजह से बाहर का हवा अंदर जा रहा था पूरा ठंडा नहीं हो रहा था, यहाँ पे कर दिया। हाँ एटा हलो तक जो ब्लोअरटा चालाना है, तक ब्लोअर है तो इंजिने हवा खाबो ना, प्राकृतिक हवाटा आसबे भेतरे, कपड़ा बिक रहा है, फेदर डस्ट सब बिक रहा है, फ्री में दे दे। ये देखो यहाँ पे जैम है, अभी जैम के बाद बात करते हैं। तो पेट्रोल मैंने भर लिया 5 लीटर अराउंड 550 रुपीज़ में, 550 रुपये लिया पेट्रोल लिया, थोड़ा 5 लीटर एक ऑल्टरनेट रख दिया। तो अभी है एयर देने का बारी, देखो कितना एयर कम है देखना पड़ेगा, देखो कितना है, देखो 5 इतना था अभी प्रेशर की वजह से। ये क्या गाइस हो गया, यही होता है गाइस, यही होता है अब गाड़ी इतना दिन से नहीं चलता है तो। चलो गाइस अभी ठंडे में थोड़ा हवा खाता है एसी का ठंडा ठंडा हवा, अभी 5 लीटर थोड़ा तेल लिया है, वही थोड़ा सा उठा है, मतलब 5 लीटर में क्या गेस करोगे गाइस, इतना सा थोड़ा उठेगा, पर एक्चुअली 5 लीटर इनफ है टू फीड अ फैमिली, और बाइक में 2 लीटर जैसे मेरे दादाजी बोलते थे। ट्रिप बहुत मज़ेदार लग रहा है गाइस अभी गर्मी में, रात को देखूंगा जो 3 मोड LED लाइट है इसमें कैसा लगता है। तो चलो ले स्टार्ट। कैनेडियन होंडा है पर कोई चलता है। देखो गाइस पूरा हरियाली छाया हुआ है यहाँ पे गाइस, मैं पूरा गांव गांव, पहले वही थोड़ा ज़्यादा था पर अभी थोड़ा कम है,
देखो नदी वदी नहीं है जो चालान मारने का। देखो भाई साहब कोलामबारी, I don't know how much kilometer I am from. पूरा घर देखो, बहुत जोर का जाम, बस बस जा रहे अभी यहाँ से। हाँ यहाँ पे तो रूल रेगुलेशन है नहीं, बिना हेलमेट में चला, बिना लाइसेंस में चला, यहाँ पे कोई पकड़ता ही नहीं है गांव में। गांव का असलियत है भाई। मैं अगर सोचा आपका गाड़ी का मतलब पूरा पेपर सब फेल है, मैं आपने 15 साल का रिन्यूअल कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं। बट यहाँ गांव में कौन देखता है, चलाओ बिंदास। ये देखो हेलमेट पहन के चला है, बिना हेलमेट में चला रहे, देखो यही हालत है। गाड़ी एकदम मतलब स्मूथ, देख लो गाइस कैमरा कट किया था तो चलो ये देखो गाइस। सो ऑटो आराम से देखो भैया साइकिल चला रहे हैं, पर कोलकाता सिटी में एक्चुअली साइकिल अलाउ नहीं है। 2011 ना 12 में बंद कर दिया था, याद नहीं आ रहा है भाई कहाँ ही वही था शायद करीबन 2011 2012 में उसे यही तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, गवर्नमेंट ने कि साइकिल रोड में अलाउ नहीं है। घर में रखे हो रखो कोई बात नहीं है, रोड में नहीं चलाने का, तो गली गली जो चला रहे तो चलाएगा और क्या। पहले तो था उसका रूल, अभी नियम हो गया वो। एंड और इसका भी एक रीज़न भी है, मतलब जो गाड़ी का जो किया था रीज़न है कि बिकॉज जितना दिन जा रहा था तो उस समय पॉपुलेशन गाड़ी का ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, बाइक स्कूटी कार सबका पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लॉरी बसेस, जिसकी वजह से क्या रहे कि भाई एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। और साइकिल में तो ज़्यादा होता है बिकॉज लाइट वेट है और पूरा चलाना मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या हुआ गवर्नमेंट ने उस समय अनाउंस कर दिया कि साइकिल रोड में चलाना नॉट अलाउड, दैट्स द मेन थिंग। अगर पार्क में चलाओ पार्क में चलो कोई इशू नहीं है, अगर लोकल में घूमना तो लोकल में चलाओ, मैं लोकल मतलब क्या भाई रोड में नहीं मतलब क्या लोकल मतलब क्या गली के पीछे घर के पीछे पीछे से रोड से, और फिर भी वो अलाउ नहीं है, फिर भी चलाते हैं आदमी लोग मतलब चकमा देखे, रोड में अगर देखा पूरा जब्त हो जाता है। रायपुर जेल आ जमा देखे रायपुर जेल का ना कैदियों का जेल থাকে इसके वजह से ही हुआ है नियम। लेकिन चलो जहाँ गाड़ी करे बारे में तुम्हार बैठा गाड़ी जाए तो जाबे तो होने के चलो जाबे ले जाओ चलो बात चलो जाओ तो चलो भाई इस बारे में यार बहुत मस्त चल रहा है भाई सा यहाँ पे। वो तो आशे ना तो मजे बड़ी तू ये बड़ी चीज़ लो तो बाबा मान गया तो दाम खबर दिया तो ठीक बड़ी चीज़ नमूने को बिना हेलमेट में हेलमेट झुला के हीरो पंथी दिखा रहे, कोई टेंशन नहीं गांव में। ये देखो बिना हेलमेट में चला रहा है हीरो पंथी दिखा रहा है पूरा बिंदास रोड। ये देखो गाइस रोड में
খালি উঠে গেলে সেই সময় আটকাতে লাগে। হ্যাঁ বলছি মানে কি বলে গঙ্গাসাগরের মেন রাস্তায় উঠে গেলে সেই সময় খাবার আনা আছে, ওই জন্য বলছি ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করিয়ে, সেখানে ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলছে। ওকে यहाँ पे इशू है, पार्किंग नहीं हो पाएगा। देखो उस पर बहुत देखो गाइस, मतलब इतना मतलब नैरो है ना रोड, यही बात है, नैरो रोड से यही तो चलो ये सब सुविधा है सब रोड में, कोई ट्रैफिक नहीं है कुछ भी नहीं, बिना लाइसेंस में चलाओ बिना हेलमेट में चलाओ कोई कुछ पकड़ेगा नहीं। और हाँ पूजा के साथ यही हेलमेट पहन के चलाओ, पर गाड़ी के कागज भी फेल है ना, टेंशन नहीं है। प्रथम तो एन लुचि तो खेब कि देखी कि करा जाए। देखो गाइस कोलकाता ट्रैफिक पॉलिस, कोलकाता नहीं है एक्चुअली, ये डैम हार्बर क्रॉस कर गया है, कल्याणपुर दिखाया पर बारेपुर दिखा पता नहीं है, ये धामुआ जगह का नाम है। वाह भाई वाह, धामुआ होटल नाम भी अजीब है धामुआ। संग्रामपुर क्रॉस कर गए, चकदा जगह क्रॉस करके ये हंसूरी, यहाँ से भी डीसी तक जाएंगे। दो घंटे दस मिनट और ये जो है कोलकाता हरा, इतना गर्मी है देखो एसी का, वो ठंडक ही नहीं हो, ठंडा है बट यही बोलते हैं ना जो चिल, जब इतना ठंड की सुसू लगता रहेगा ये भी नहीं हो रहा, गर्मी एसी भी यही प्रॉब्लम, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम, वो चिलनेस नहीं आ रहा है। ये देखो गाइस पूरा गांव इलाका पूरा आगे बहुत आगे चला गया, बर्धमान से चला आया ये आदमी, क्या भाई साहब। और ये हालत है कि अभी अभी यही थोड़ा थोड़ा एसी भी ठंडा दे रहा है, नहीं तो पूरा एसी ऑलमोस्ट फेल ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ही नहीं हो रहा है, मैं गर्मी इतना बढ़ चुका है वेदर की वजह से। आस्ते आस्ते वही बोल रही, आगे हम तुरंत सोच ले एक तो देरी हो चुकी है। धीरे धीरे वो चिलनेस नहीं है इस, मतलब ये हालत है गर्मी में, गर्मी बहुत है इस बार, अब ठंडा होने लग गया है। ये देखो क्या यूएसए लिखा हुआ है, बंद कर दीचन ना कि गंगा सागर आ गए, गंगा सागर एरिया में आए, मैं गंगा सागर नहीं है, गंगा सागर जाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे नाव पकड़ के या फिर जहाज पकड़ के लॉन्च पकड़ के जो भी पकड़ के हमको उस पार में जाना पड़ेगा, जाके उसके वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाता, गाड़ी यहाँ पे रख देना पड़ता है, उसके बाद होता है ठीक है। तो यही बात है प्रॉब्लम, पर कार लेके बोलते होता है बट पता नहीं यार, अगर ब्रिज हो जाए तो बढ़िया हो जाए, आराम से जा पाएंगे, गर्मी में और मन ही नहीं करता आजकल, पापा पीछे मम्मी पीछे, ये हालत है गाइस।
गाइस फाइनली आ गया गंगा सागर। तो यही है ना, गंगा माँ का मंदिर में भी है इस एरिया में। तो इसमें कैसे जाना पड़ा सब कुछ मैं डिटेल बताऊँगा। तो पहले तो लॉन्च पकड़ के आना पड़ा, उसके बाद जो है कार में बैठ के बात करूँगा। तो यहाँ पे वीडियो करना बहुत डेंजरस भी बोल सकते हैं या फिर गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी भी है वो डेंजर भी है, मतलब आदमी लोग बोल सकते हैं मोबाइल छीन लेगा ये वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे सब नहीं बोलते। बंदर बंदर तो नहीं है, मेरे को बंदर से बहुत डर लगता है आजकल। गोडा ना जीबीडी है वो ना, गंगा सागर। अरे वहाँ ये तो दक्षिणेश्वर मंदिर, ये देखो गंगा माँ का तस्वीर और ये गंगा नदी एरिया मम्मी यहाँ पे। और ये देखो हालत सब रोड, कपिल शर्मा मुनि और जी गंगा माँ का मंदिर। तभी अंदर बात करते, चलो दिखाते। देखो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, बस फोटो वोटो शिट। तो देखो गाइस गंगा सागर पूरा, हवा जो बह रहा है ये देखो ओशन सी वेव समुद्री हवा। पहले बोरिंग लग रहा था पर इंटरेस्टिंग लग रहा है अब। अच्छा हाँ मेरा हालत देखो। तो देखो हवा में पूरा बाल उठ रहा है, थोड़ा पूरा ऐसा हो गया लड़की जैसा यार। उफ ठंडा हवा यहाँ पे, वो यार ये हवा एसी से भी वाप है। चलो गाइस अभी टाइम हुआ 8:11 PM ना 8:13 PM तो हम लॉन्च कार में बैठेंगे, बैठ के घर जाएंगे। चलो गाइस देखो गाइस पूरा अंधेरा छा गया ये रोड में, गाइस पूरा अंधेरे पे अंधेरा। ये देखो अपर डिपर मारा, अपर मारा शायद। देखो अभी देखो रोड में थोड़ा लाइट आ रहा है, पूरा मस्त लाइट आ रहा है रोड में भाई साहब। पर रोड का हालत बहुत ख़राब था भाई, वरना भी देखो मैं कोई अगर चिल्लाएगा हेल्प मी कुछ भी चाहिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, हॉन्टेड। अब मेरे घर में लाइट जल रही, तो यहाँ पे रेडियो है, इंफोटेन सिस्टम एटमोसफियर लाइट्स। तो अभी रोड देखो गाइस पूरा खाली खाली। अभी तो म्यूजिक बजाऊंगा, एलईडी माने तो छोरा बे। ये देखो गाइस पर मेरे यहाँ पे फोकस में दिखाओ गाइस कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं एक लाइट जलाऊंगा, अब देखो हम विजिबल है। अब मैं ऑफ कर दिया, देखो पूरा 100। हेलो मैं भूत हूँ, मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता। ये यहाँ पे एक और एक भूत गाड़ी चला रहा है। ये हालत है भाई अभी रोड में, थोड़ा अभी रोड में थोड़ा सा ये दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट आया है। अरे यार हालत है कई सर रोड का, पूरा मतलब अंधकार पूरा मतलब सब कुछ हो गया। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, दुकान पे वो लाइट रिफ्लेक्ट किया होता है ना जो रिफ्लेक्शन। देखो भाई पूरा रोड, और ये देखो डिपर में फील अच्छा ही है, पर अभी फुल टैंक करने से अच्छा होगा। उसके बाद तो गाड़ी गैराज होएगा, पता नहीं अब कब निकलेगा, पता नहीं डोंट नो। ठीक है तो ये चलो एसी में अच्छा ही माइलेज दे रहा है भाई, एसी चल रही है अभी रात को। आई थिंक गाँव का हवा बेटर है, बट फिर भी यार कोई नहीं। ये हालत है देखो, पूरा चिल्ड हवा हो गया देखो,
कहाँ पर हूँ मैं, लग रहा है हमेशा सुसू निकल जाएगा, ये हालत है। तो अभी कुछ फ्यू पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो ट्यून विद मी नाउ, तो भी बताते हैं रुको। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। लाइट चलाना बहुत मुश्किल है, मैं थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसे थोड़ा वीडियो कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअली गंगा सागर के मेन बात बताता हूँ, जहाँ से भी आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, कोलकाता से आ रहे हो, या फिर कहीं से भी आ रहे हो, अगर तुम्हारे पास बाइक भी है, बाइक फिर भी अच्छा है, पर अगर सोचो तुम्हारा अपना लॉरी भी है, जो भी है, तो वहाँ पर चल के नहीं जा सकते, मतलब किसी भी तरीके से नहीं जा सकते आपको, मतलब वही गाड़ी को वहाँ पे, कहाँ पे पार्किंग की तुम लोग, मैं जगह का नाम क्या है, काकदीप, वो काकोदीप ना काकदीप वो ही है, तो वहाँ पे पार्किंग कर दो, पार्किंग कर दो यही, तो उसके बाद आपको लॉन्च पकड़ना पड़ता है, स्टीमर लॉन्च जो भी हो ये पकड़ के आपको वहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है, लॉन्च करके कचुबेरिया के वहाँ पे रुकना है, रुकने के बाद वहाँ पे जो विंगर ना, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, मैजिक बोल के वो गाड़ी होता है, वैसे टाटा का ना, महिंद्रा का लगभग, तो अगले टाटा का है, टाटा इसका मैजिक बना के घुमा रहा है गाड़ी, काइंड ऑफ प्राइवेट व्हीकल, शेयर टैक्सी एक्चुअली है, तो वो पकड़ के 50 रुपया पर हेड लगता है। और सेकेंडली, और अगर आपको कहीं पे अगर सोचो वही बोलते हैं ना, पकड़ जाए अगर आपका फालतू पैसा है तो एक प्राइवेट गाड़ी ले लो, लेके बुक करके मोटा पैसा तो लेगा उसमें चले जाओ, जाना ना दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। और सेकेंड थर्ड बात है, नहीं तो बस पकड़ के जाओ, जाके वहाँ से टोटो पकड़ लो, उसमें भी सेम थिंग, शेयर जो टैक्सी है, शेयर टैक्सी आपको वहाँ पर रुका देगा, सॉरी 50 रुपये सबसे एफोर्डेबल यही है, शेयर टैक्सी पकड़ो, मुझे शेयर टैक्सी मैजिक जो है वो पकड़ के जाओ। और अगर बाइक है तो स्कूटी है तो कोई बात नहीं गाइस, बाइक का थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेगा लॉन्च वाले लोग, बिकॉज एक्स्ट्रा लोड आप लेके जा रहे हो, तो बाइक लेके जाओ, जाके वहाँ पर रुका के उठा दो, उठा के फिर से बाइक चला के चले जाओ, स्कूटी चला के चले जाओ, ये खासियत है। अगर मैं अपने काइनेटिक होंडा या एक्टिवा ले आता तो यही हालत होता, गाड़ी रोक के वहाँ पे थोड़ा पानी पूरी खाया, जो गोलगप्पा जो बोलते हैं पानी पूरी, बंगाली में तो पुचका बोलते हैं कोलकाता में, अब वो जगह पानी पूरी बोलते हैं, कोई गोलगप्पा बोलता है, आई डोंट नो, अलग स्टेट का अलग, प्रोविंस का अलग लैंग्वेजेस, सब पता नहीं गई इसकी कि क्या है, मतलब जहाँ पे कोलकाता में 10 रुपये में से 3 मिलता है गोलगप्पा, यहाँ पे सर आप 10 रुपये में 6 गोलगप्पा खाया, मतलब मैजिक गाड़ी में ये बस स्टैंड पे उतारेगा बोलो, फिर बस स्टैंड से 15 रुपया ऑटो, हाँ सॉरी, हाँ वहाँ पे ऑटो, सॉरी सॉरी, वो 15 रुपया लगेगा, हाँ वो बस ना वहाँ तो मैं ओखाने दारा कोड़ी दिलो, तो बोलो वही मंदिर के सामने तो दारा कोड़ा लो, तो गंगा मंदिर के सामने रुकवा देगा, मैजिक छिलो ना उड़ा तो नॉर्मल टैक्सी छिलो ना उड़ा, मैं उड़ा ही मैजिक छिलो, गंगा घाट में नहाना है तो वहाँ पे भी ध्यान रहो, कुछ चीज में टच किया उसका डबल पैसा ले लेगा, हाँ वही बोला, कुछ भी टच कर लो तो डबल पैसा ले लेगा, इसलिए सोच समझ के जाना गाइस, रिस्क बहुत है सबसे, मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एक खटिया ट्रिप ही बोल सकते हो, मेरे को यही लगा, प्लास्टिक चेयर में हाथ दे दिया, रीस पैसा मांग रहे हैं, बट हम हाथ दे जूता पहने उसमें भी प्रॉब्लम, क्या रे भाई, तक नंगा भी हर जाएंगे, अजीब है, कहाँ से सर छूती आ जाता है पता नहीं कहीं से, टोटो सर अगर, हाँ और एक बात, जब वो गंगा सागर जाना है जो आधा घंटा रूट पड़ेगा, तो जहाँ पे हम लोग मैजिक ट्रेन पकड़े वहाँ पे अगर टोटो पकड़ेगा तो 300 रुपया मांग रहा था, कोई 300 बोलेंगे 250 में मैं बाप कर रहा है, और एक वजह, हाँ जब गंगा घाट में रहेगा तो वहाँ पे 250 रुपया मेरे को लिया, बट आना जाना मिला कर, मतलब जो आधा घंटा से बैठना है तो उसके लिए लॉस है, अगर सोचो 4 घंटा में रुक रहे हैं, नहा रहा है, पी रहा है, खाना खा रहा है, मैं मजा ले रहा है, उसके लिए तो वेरी प्रॉफिट, जाना आना सब 250 रुपये में हो जा रहे हैं, और ज़्यादा आदमी उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मतलब कितना भाई ज्यादा में तो 40 रुपये पड़े ना, बोले छिलो जी 7 জন 8 জন ले 250 টাকা ही নেবে, 7 জন ম্যান্ডেটরি বলছিল না, তো বলে 40 টাকা পার হেড, তো ও ভি লাইফ কো লস হে, ঠিক হে, তো ইয়েই
मंदिर में घूमा, अच्छा लगा गाइस। और फिर भी थोड़ा मन अजीब लग रहा था, मतलब जल्दी आए थे कलकत्ता आ गया, मैं काकोदीप में आ गया, गाड़ी में बैठ गया, मन में मतलब रहा था अभी गाड़ी में बैठे आराम से भाई, जो भी हो यार। हाँ गंगा सागर सबसे मैंने घटिया और काइंड ऑफ घटिया ही बोल सकते हो, पर अच्छा भी है, गंदा नहीं बोलूँगा। बीच है, बीच के बीच में थोड़ा नहाया, नहाया नहीं पैर को धोया और कुछ नहीं, और पर्सन में पानी छिलकाया और कुछ नहीं। इट इज सम इट मीन्स इट लिखा हुई है गूगल मैप सागर आइलैंड, तो गूगल मैप अगर गूगल मैप से जा रहे हो दिखा रहे हैं पर रोड, तो बाई रोड कोई रोड नहीं है गाइस, वहाँ पर रोक के आपको कहीं कहीं भी आसपास पार्किंग कर देना होगा गाड़ी को, या बाइक गाड़ी को पार्क करना, बाइक को तो कोई टेंशन नहीं, आप वो लॉन्च में उठा दो, उठा के वही दूसरे से पास चला गया, बाइक उठा लो चला के घर चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ अपने गंगा सागर घूमने। और 8 बजे बाद लॉन्च बंद है, ये भी एक बड़ी बात है। और एक प्रॉब्लम मेरे को लगा, अगर सोचो 8 बजे कोई बाइक लगी हुई है तो घूमा अवड़ा कर दिख गया तो गया काम से भाई, हम लोग बोलते हैं सीधा बात बोलते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो अगर सोचो नहीं अरे घूमेंगे खाएंगे भाई ऐस मरेंगे ऐस करेगा तो भूल जाओ भाई, 8 बजे लॉन्च बंद हो गया ना, तो कोई रोड भी नहीं है आपको तुमको अपने गंगा सागर पहुँचाने के लिए। मैं कोलकाता पहुँचने के लिए जो काकोदीप जो जो पोर्ट है लॉन्च पोर्ट, वहाँ पे कोई पहुँचाने वाला नहीं है, कोलकाता तुम जा ही नहीं पाओगे, वो ऐसा एरिया है मतलब जहाँ पे एक लॉन्च मैंडेटरी है, लॉन्च या फिर मतलब कोई वाटर ट्रांसपोर्ट मैंडेटरी है, वही प्रॉब्लम है। तो हम कभी ये सोचते भाई क्या कभी कैसे आदमी वहाँ पे बास करता है पता नहीं गाइस, गंगा सागर बाप रे। जो जाना सोच समझ के, हाँ भाई जो जाएगा सोच समझ जाइए भाई, नहीं तो नहीं तो अपने हर एक सपने हाथ में ले रहे हो, यही बड़ी बात है। तो वही हालत है भाई, कोई रोड नहीं है, मैं गंगा सागर के अंदर रहोगे तो वही अंदर का ही रोड घूमते रहो दिन भर, पूरा 365 दिन पूरा मतलब 24/7 days पूरा वही। कपिल मुनि आश्रम निशुल्क बिना पैसे का वहाँ एक आश्रम है, धर्मशाला, धर्मशाला बिना पैसे वहाँ कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है। हाँ मनोज सर वही बोले चलो कपिल मुनि आश्रम, हाँ तो वही तो वो लो तो वही डुक डुक लो तो वही तो मेन जाएगा वो बिना पैसे का, ममता बनर्जी बनाई है, मतलब किसी को कहीं जाना है बिना पैसे में निशुल्क आश्रम बना हुआ है बाहर से, कपिल मुनि आश्रम आराम से रहता है, वो फ्री है मतलब पूरा फ्री, मतलब कुछ पैसा नहीं लगेगा सिर्फ रॉबर्ट। एक डाउट रहा है अगर सोचो भूख लग गया और वहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो गया तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बंद हो गया तब गया काम से तो ये प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ होटल के अंदर कोई खाना नहीं है, और सोचो तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है यार, थोड़ा आराम करते हैं भाई, बट तब मरो मरो अपने आप भाई, भूखे पेट सो जाओ, अगर फल लेके आए तो थोड़ा खा के सो जाओ। बाहर निकलते ही वहाँ पे तो ऑटो स्टैंड पे पूरा ढाबा है, वन ढाबा है यही बात है, तो जाओ तो अपने रिक्स से जाओ, यही मेरा मानना है, बाकी आप लोग की मर्जी गाइस। तो कपिल मुनि आश्रम के पास एक दक्षिणेश्वर के जैसा एक मंदिर है, गंगा मंदिर, हाँ गंगा मंदिर है, वहाँ पे तुम लोग वहाँ पे इष्ट वहाँ बहुत पूजा दे सकते हो, वहाँ तुम लोग पूजा कर सकते हो, पूजा दिलवा पूजा करवा सकते हो, मैं बहुत मैं चारा गाइस। थोड़ा लाइट आया अंदर, फिर से लाइट चला गया ब्यूटीफुल रात आ गया, उस टाइम यही हालत है गाइस, ये रोड में दिखे नहीं गाइस, अगर ये दिखा दूँ तो ये देखो हम यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ कोई भूत नहीं है, सामने ड्राइवर जो भूत चला रहा है, भूत जी चलो जोक्स जोकिंग्स। टाइम हो गया है 9:30, तो यही बात है, तो कोई नहीं यार घर जाएंगे अभी, वे बैक टू होम, चलो चलते।
সন্দেহ হচ্ছে আমার, সন্দেহ হচ্ছে এতটা তো। হ্যাঁ আরেকটু আরেকটু জান দিন দিন আরেকটু দিন, যত পুরো উপরে টপ আপ করে দিন। আরেকটু দিন আরেকটু 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 দিন 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 আরেকটু ফ্ল্যাশ লাইট দেবো। হ্যাঁ আরেকটু দিন, হ্যাঁ পুরো ফুল হয়ে যাক যেন। ব্যাস ব্যাস বেরিয়ে গেছে হট করে, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ব্যাস ব্যাস 3,320 টাকা हो गया पूरा फुल टंकी हो गया गाइस। तो अभी वे टू होम गाइस, तो अभी तेल भराया पूरा हो गया। बाप रे मैं रिक्स में था, नहीं तो पूरा 5 लीटर से था, 5 लीटर वो जो उसको रिजर्व बोलते, रिजर्व मतलब क्या जानते, मतलब जो एम्पीफाई या कार्बेट में बचा तेल उसको रिजर्व बोलते हैं, भाई रिजर्व नहीं था तेल था। बट घर आ जाने के बाद गाड़ी बंद ये फुल टंकी करा लिया बस 31 लीटर पेट्रोल। यहाँ पे जेल खाना है, बाप रे ए दिखे लाइट जल चुकी है। ये गाड़ी को फॉलो करके अब देखो वैगनर कितना स्पीड में इससे टक्कर मार सकता है एक लॉरी को। 1 2 3 गो वू बाय बाय। যখন তেল নেবে না হ্যাঁ ওরকম ভাবে ওই ধরে 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 মারতে বলবে না, একবার ঝাবে একবারে যখন ছেড়ে দেবে বন্ধ করতে হবে। আর নেবে না আরো হয় ওরকম ভাবে নেবে না, ওরকম ভাবে নিলে মাইলেজটা কম দেয় মানে তেলের ইয়েটা কম আসে। ওটা বাজে কথা, বাজে কথা না, মেইন আপনার ডেনসিটিটা দরকার। ডেনসিটি প্রপার থাকে তাহলে আপনার মাইলেজ ঠিক আছে। যেই দেখেন ডেনসিটি 720 থেকে কম মানে চুতিয়া বানাচ্ছে আপনার। বাজে কথা না, ওইটা হচ্ছে মেইন জিনিস তোমার ওইখানে সব কিছু। এই লোকটা কি স্ক্যাম করছিল? না না মনে হলো চলে যেতে চলে যাচ্ছে ভাই। দেখো গাইস ফুল টাঙ্কি হয়ে গেছে গাইস। আপ দেখো घर आने के समय कितना टैंक रहता है तेल वही देखूंगा मैं। मम्मा तो लोकटा वीडियो देखे तो भय पे गए। तो ओडई मन হচ্ছে আমার গায়ে মন হচ্ছে মানে আজকাল এসে আপনি ভিডিও লোকে ভয় পায়। সোশ্যাল মিডিয়া ऐसा चीज हो गया। अरे पोल्यूशन एक एक चांद धा हो जाए ना। भाई साहब ये देखो गाइस क्या हालत, बाइक भी चलो बिना हेलमेट में चला रहा है भाई साहब, बेशरम लोगो। अब एक रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा, दो मुठो भात खा सकता है बाबा, भात नहीं वो कुछ भी लंच डिनर कर सकते हैं और कुछ है। लंच तो हुआ नहीं हम लोग का, गंगा सागर में हम लोग का गंगा बहत गया, गंगा में लंच दिमाग से बह गया। कॉलर ट्यून हो रहा है, बात कर ले उसके बाद। तो ये देखो हालत है रोड का, चार्ज में लगा के रखा इसलिए एटमोसफियर कुछ भी नहीं चल रहा। हेलो ये हालत है, बंद करते थे वीडियो। फाइनली आई एम बैक एट होम। तो टाइम हुआ है देखो यहाँ 12:30 बज चुके हैं, तभी डिनर करूँगा इस समय। लंच तो एकदम नहीं हुआ बिकॉज वही बोला गाइस गंगा सागर ना इतना। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ गंगा सागर के बारे में। तो जैसे नॉर्मल प्लान जैसे ट्रिप करते हो, जैसे आप लोग जैसे कि कोलकाता का बता रहा हो, तो कोलकाता मुर्शिदाबाद गए या फिर कहीं झारखंड गए, तो वो अनप्लान ट्रिप रहता है। आई होप सो मैं करेक्ट, सो अगर रॉन्ग है तो कैंसिल कर देना, बट नॉर्मल तो वही तो हम सोचते हैं जानकारी मतलब क्या भाई बोलते हैं ना, मैंने नॉलेज रखना पड़ता है थोड़ा मोटा, तो
चिप्स पैकेट लेके ही हो गया, आराम से चलेंगे। बट गंगा सागर मैं बोलूँगा तो सबसे नॉलेज लो, सबसे डिटेल्स लो, लेके इकट्ठा करो, इकट्ठा करके एक प्लान बना के जाओ कि इट्स नॉट सो ईजी टू गो। बिकॉज लॉन्च की अगर बोलो क्योंकि लॉन्च 8 बजे बंद हो जाए, ठीक है, उसका और कोई लॉन्च नहीं है। अगर सोचो आप 8:30 बजे आवाजाती करो उसके बस ख़त्म, वहाँ पर अटक जाओ, फिर से नेक्स्ट डे के लिए वेट करो, वो कहाँ सो गए तुम्हारा तुमको पता है, हम लोग को नहीं। दैट्स इट, तो यही बात है। और यही सेकेंडली एक बात बताना चाहता हूँ कि यही तो उस दिन मेरा जो मैंने एक वीडियो दिया था जिस कम्युनिटी लाइन में एक स्कूटर का फोटो देखा था दिया था, तो साउथ कोल मैंने दोस्त के साथ खाने गया था, ऐसे अच्छा दोस्त है तो स्कूल में पढ़ते एक साथ थे, तो यही तो वो उसे बात हुई, बोला एक दिन मिलते हैं भाई, तो खिलाया तब उस रेस्टोरेंट में गया खाया, तो वही तो वहाँ पे एक स्कूटर का फोटो दिया था, भोजन लिखा था एलिमेंट वेस्पा सिलेक्ट इंस्टाग्राम में, तो यही के एलिमेंट का वो যাই না কে খুলেছে না না বন্ধই ছিল तो यही तभी थोड़ा कैमरा ऑफ के मम्मी आई थी तो यही संभालने सब एनी वेज तो यही तभी वही तो स्कूटर के बारे में बता जाऊँगा। तो वो जो क्या स्कूटर था तो एक्चुअली तो स्कूटर विच हैज सीन इट वो जो लिखा था एलिमेंट वेस्पा सिलेक्ट और एक क्या लिखा था एलिमेंट कुछ स्टार ना एंड्रॉयड कुछ लिखा था याद नहीं आ रहा है पर मेनली इट्स एलिमेंट सुप्रीमो। एक्चुअली ये गाड़ी में बहुत रेयर है बिकॉज इट्स लास्ट स्कूटर में जो एलिमेंट ने बनाया था वेस्पा के बाद, उसके बाद तो एलिमेंट चला ही गया लास्ट स्कूटर ऑफ एम एलेमल, तो उसे एनवी सीरीज बनाया था बट यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स में अवेलेबल नहीं था, होल स्टेट में जो अवेलेबल था वही लास्ट था एलेमल सुप्रीमो, तो वही लास्ट एक गाड़ी था जो एलेमल ने बनाया था, उसका तो एलेमल तो गायब हो गया कहाँ पता नहीं, आई डोंट नो, सब खत्म खत्मा तो वही एलेमल का जो गाड़ी अभी तो चला गया है इंडिया छोड़ के नहीं डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो दैट वॉज अ स्कूटर, तो मैंने नाम बता दिया। और थर्डली आई तो काइनेटिक होंडा के बारे में वीडियोस में दे दिया, एक्टिवा धीरे धीरे आएगा, काइनेटिक का भी आएगा, तो वैगनार का मैंने किया इतना दिन बाद कोई नहीं यार चलता है, तो पेट्रोल भी फुल हो गया, अभी फुल ही है गाइस, तो रीच एट कोलकाता होम, तो अभी डिनर करूँगा करके उसके बाद थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है बिकॉज हजम करना पड़ेगा ना, तो वॉक करना ज़रूरी है और इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई नो मेरा वेट हम थोड़ा गुबलू डुबले मोटा छोटा है बट ये चीज़ की वजह से मेरा शरीर में कभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा टच वट कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एनी वेज वो सब बात में हो जाएगा, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो अभी ये प्लान है, तो प्लान करके रखना सब कुछ, अभी गंगा सागर जाने का है, कुछ भी जाने का है, मैंने गंगा सागर जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो ये प्लान दिमाग में रखना कि पहले से प्लान करना कब कितने बजे करना है। हम लोग को शायद भगवान आज भी खींचा इसके वजह से हम लोग को जाना हुआ, मम्मी जैसे बोल रही है इसे हम लोग का मन में दर्शन इच्छा था तो भगवान ने खींचा चल दर्शन कर ले, पर इतना मैं हैट्रिक जर्नी में सबसे घटिया जर्नी यही लगा मेरा गंगा सागर, ना ऐसा नहीं बोला गंदा बट फिर भी मैं बोरिंग चिक चिक सा लगा, फुल टैंकी करके घर में गाड़ी में गैराज कर दिया बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
If you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe, and give someone. And don't forget to press the bell icon, and don't forget to follow me on Facebook, give someone. And don't forget to follow me on Instagram, geeky someone, _ official. So, you link me, they Instagram and Facebook. So, tab tak liye bye bye, take care, and love you, everyone. So, we'll see you next video. Till then, see you next video. Bye.